हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, कुछ नान के पिता क्यूंथियन उनको पेटेज की सीट से इसलिए हटाया जा रहा होता है क्योंकि उन्होंने क्विंग नान को सिर्फ 500 गोलियां दे दी थी। तभी क्विंग नान वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहने लगता है, तुम सब लोग बिली भगत कर यहाँ पर मेरे फादर को सीट से हटाने की कोशिश कर रहे हो। ये सर वो लोग उससे वेस्ट कहने लगते हैं, तो उनसे कहता है, मैं वेस्ट नहीं हूँ और ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। इस पर क्विंग चांसांग कहने लगता है, मैं तुमको एक चांस देता हूँ, तुम उससे जीत के दिखाओ, तुम्हारे फादर को कोई भी सीट से नहीं हटाएगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं आगे आगे स्टार्ट होने वाला है। क्विंग नान और क्विंग चांगसांग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और सब लोग घुसड़ पुसड़ कर रहे होते हैं उन दोनों के बारे में। तभी उसका फादर आगे आकर कहने लगता है, तुम एक लड़के की तरह आगे निकल के आए, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, पर ये पैट्रिज की जगह ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, तुम इस बात की चिंता मत करना। इस पर क्विंग नान उनसे कहने लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी लोग कह रहे होते हैं, क्वांगसांग 4th लेवल में पहुँच चुका है, लग क्या तुम्हें लगता है कि क्विंग नान उसका अपोनेंट है? उसकी बात पर दूसरा एल्डर कहने लगता है, जब ये छोटा था तब बहुत ही ज़्यादा जीनियस था, अब पता नहीं क्या होने वाला है। उसकी बात सुनकर कांगसन हंसरा होता है और कहने लगता है, चिन नान अभी फाइट स्टार्ट नहीं हुई है, हार मान लो तो अच्छा रहेगा। इस बार क्विंग नान उससे कहने लगता है, फालतू की बातें मत करो और स्टार्ट करो स्टार्ट। उसकी इतनी बात सुनते ही वो एग्रीटेटेड हो जाता है और कहने लगता है, ये सब तुम ही मांग रहे हो, और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। पर वो जैसे ही क्विंग नान के पास पहुँचता है, चिन नान बड़े आराम से उसके अटैक को डॉच कर देता है। ये देखकर क्विंग चांगसांग थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। फिर वो क्विंग नान पर बार बार से इधर उधर से हमले कर रहा होता है, पर क्विंग नान उसके हमलों को लगातार डॉच किया जा रहा होता है। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम सिर्फ दबकना जानते हो, हाथ चलाना नहीं जानते? इसके बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ हमला करने जाता है और उधर से क्विंग नान भी आता है और वो उसके गुस्से को मारकर उससे पीछे कर देता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, क्या तुमने देखा, क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? क्विंग नान ने क्विंग चांगसांग को पीछे कर दिया। ये बातें क्विंग चांगसांग सुन लेता है और वो घिसा जाता है, और फिर उसके बाद तुरंत ही वो अपनी मार्शल स्प्रिट को ऑन कर देता है। उसकी मार्शल स्प्रिट ऑन करते ही उसके पीछे एक टाइगर आ जाता है। उसकी मार्शल स्प्रिट को देख कर 4th एल्डर कहने लगता है, वाइट टाइगर, वो भी वेपन के साथ, लगता है ये मार्शल स्प्रिट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। तभी मोटा भी कह रहा होता है, था तुम सही कह रहे हो। ये देख कर चुनतीन आगे जाने की कोशिश करता है। तभी वो एल्डर उसको रोक देता है और कहने लगता है, बच्चों के काम में बड़ों का क्या काम है, आराम से देखो यहीं से। चुनान अपनी तलवार निकाल लेता है और उसको सिर्फ अपनी तलवार निकालते देख कर चौसा सोच रहा होता है, ये तो अपनी मास्टर स्प्रिट को भी नहीं खोल रहा। चुन्नान अपनी यह तलवार को आगे करते हुए कहने लगता है, तुमसे डील करने के लिए खाली ये तलवार ही काफ़ी है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपनी मास्टर स्प्रिट को लेकर उसके ऊपर हमला करने दौड़ पड़ता है। चुन्नान अपनी तलवार लेकर आगे जाता है और एक ही स्लैश में उसकी टाइगर को काट के फेंक देता है, और उस हमले से क्वांगसांग भी पीछे जाके गिरता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, चुन्नान ने सिर्फ एक तलवार की मदद से क्विंग चांगसांग को हरा दिया, वो भी सिर्फ एक मूव में। तभी एक और एल्डर कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये 4th लेवल पे पहुंच गया है? तभी 4th एल्डर कह रहा होता है, इसकी स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। वो सभी लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी क्विंग नान अपनी स्पेशल पावर को छोड़ देता है। उसके बाद वो सभी लोग नीचे आ जाते हैं और उसका फादर उससे आके पूछने लगता है, तुम्हारी कल्टीवेशन? इस सर वो उससे कहने लगता है, अरे फादर, मैं लंगजी माउंटेन्स में गया था कुछ दिन पहले एडवेंचर करने, तभी मैं 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया। ये बात सुनकर वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, एडवेंचर करने गए थे? क्विंग चांगसांग को उसके फादर जाकर उठाने लगते हैं। तभी क्विंग नान उसकी तरफ घूमकर उससे कह रहा होता है, तुमसे हमेशा ही कोई ना कोई पावरफुल होता ही है, तो तुम अपने आप को ज़्यादा अच्छा मत समझो और ना ही लोगों को नीचे के निगाहों से देखने की कोशिश करो। उसकी ये बात सुनने के बाद क्विंग चांगसांग कहने लगता है, बताओ क्या दिन आ गए, तुम जैसे लूजर से मैं ये बातें सुन रहा हूँ? मेरी मार्शल स्पिरिट बहुत ही हाई ग्रेड की है, कुछ समय की बात है, मैं तुमको तुरंत ही हरा दूंगा और श्रीलंग सेक्शन में एडमिशन लूंगा। तभी चांगसांग का फादर कहने लगता है, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बताओ तुमने क्या किया, तुमने किस तरह से चीटिंग की? इस पर चुनसांग उससे कहता है, चीटिंग की मैंने? तो चुनसांग कहने लगता है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, और इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी क्विंग नान सभी एल्डर की तरफ घूमकर उससे पूछने लगता है, मैं तुम सब लोग से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे फादर को अभी भी पैट्रिज की गद्दी से हटाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर सभी एल्डर कहने लगते हैं, क्या बात कर रहे हो, तो हम क्यों हटाएंगे उनको, उनकी वजह से तो ये कुन फैमिली बहुत अच्छी तरह से चल रही है, हम नहीं हटाना चाहते। हम सब लोग तो ये सोचते हैं उन्होंने 500 गोलियां देकर गलती की, उन्हें तो 1000 गोलियां देनी चाहिए, इस तरह से तो क्विंग फैमिली का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। तभी उसका फादर कहने लगता है, नार चलो यहाँ से। तभी वो उससे कहने लगता है, फादर एक मिनट रुको। फिर उनकी तरफ घूमने के बाद वो कहने लगता है, तुम सभी एल्डर मिलकर मेरे फादर को पैट्रिज की सीट से हटाना चाहते हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चांगसांग श्रीलंग सेक्शन में घुसने वाला है, बस इसी वजह से, तो मेरे फादर के कई सालों की मेहनत को भूल जाते, बस इसी वजह से। आज मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, हर किसी का दिल मर जाएगा तो इस क्विंग फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता। इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर हमें फैंग फैमिली पे दिखा रहे होते हैं, यहाँ पर फैंग लिन बैठा होता है, उसके पास एक आदमी खड़ा होता है, वो उसे कह देता है वापस जाओ। तभी उसका एक लड़का आ जाता है और वो कहने लगता है,
फादर, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम किन फैमिली को बड़े आराम से निपटा सकते हैं। इस सर वो कह रहा होता है, अगर किम फैमिली को जड़ से उखाड़ना है तो हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करनी होगी, तभी हम किम फैमिली को यहाँ से जड़ से उखाड़ सकते हैं। तभी उसका लड़का हंसते हुए कह रहा होता है, किम फैमिली तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चुन फैमिली के सभी जीनियस हमारी आंखों में सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं और कुछ भी नहीं। और 3 दिन में होने वाले उस सुलना सेक्शन अकेडमी के सिलेक्शन में सारे कोटाओं को फैंग फैमिली ही जीतेगी। तभी उसका फादर कहने लगता है, सुना रवि तक क्यों नहीं आई? इस सर वो कहने लगता है, वो कई दिन बाद घर से बाहर गई है, लगता है कहीं खेल रही होगी। चलो मैं किसी को भेजकर उसे वापस बुलवाता हूँ। इसके बाद वो गेट करके वहाँ से चले जाता है। इधर हमें चुन नान का दोबारा से कोर्ट यार्ड दिखाने लगते हैं। वहाँ पर उसका अंकल कह रहा होता है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा घबरा गया था इसलिए मैंने तुमसे ये सब कह दिया। इस पर वो उससे कहने लगता है, अंकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम फादर की बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। तभी उसका फादर कहने लगता है, चुन्नान अभी तो मेरी पैट्रिज की सीट बिल्कुल ही ठीक है, पर लेकिन तुम्हें जो टेम्परिंग की गोलियाँ चाहिए वो। इस पर वो उससे कहने लगता है, 500 गोलियाँ भी ठीक हैं, अभी मैं उन्हीं को रिफाइन करता हूँ फिर देखते हैं। इस पर वो कहने लगते हैं, ठीक है तुम जाओ। इसके बाद उन लोगों को ग्रीट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो अंकल से ही पूछने लगता है, तुम्हारा बेटा अभी चौसांग के सामने जीता है, तुम्हें खुश नहीं हो? इस सर वो उससे कहने लगता है, उसके लिए तो मैं खुश हूँ, पर लेकिन फैमिली की मुझे दिक्कत सता रही है। तुम्हें पता ही है, फेंगलिन तो बहुत ही बड़ा मक्कार इंसान है, और साथ ही साथ उसका बेटा फेंगरुलोन वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मुझे डर है कि वो क्वीन चौसांग से भी ज़्यादा ताकतवर है। इधर हम क्वीन नान को देखते हैं, जो कि इन सभी गोलियों को अपनी मार्शल स्पिरिट के अंदर घुसा रहा होता है, और उसकी वो मार्शल स्पिरिट सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेती हुई जा रही होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।